हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बाली इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम एक लाइन बोलना सीखेंगे जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है घर में, और आमतौर पर घर कोई भी हो, लेकिन ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ी कॉमन सी बात है जो अक्सर पूछी जाती है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे पूछते हैं या हम अपने फैमिली मेम्बर्स से उस चीज़ के बारे में जो हम रख कर कहीं भूल गए होते हैं या ढूंढने पर हमको नहीं मिल रही होती, तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ है वो, कहाँ है, क्या आपने मेरा पेन देखा है, क्या आपने मेरा मोबाइल देखा है, क्या आपने मेरी किताब देखी है, कहाँ रखी है, क्या किसी को मालूम है। जिसको मालूम होता है और वो व्यक्ति उस चीज़ के पास खड़ा होता है तो अक्सर वो हिंदी में कहता है ये रहा, यहाँ पर है ये, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हियर इट इज, हियर इट इज। या अगर वो दूर है तो कहते हैं देयर इट इज, और किसी को हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं हियर यू आर, क्योंकि जिसने भी उसे मांगा है वो उसकी डिमांड है, और हम उसको हियर इट इज की जगह हियर यू आर कर देते हैं, यहाँ है आप, मतलब वो चीज जो आपने मांगी है वो यहाँ है, हियर इट इज या हियर यू आर।